लगता है आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बच्चों को सुलाने के लिए हमें हर बार उन्हें हाथ से जोजो करना पड़ता है। अब दोस्तों हमें कंटिन्यूअसली जोजो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये काम हमारा एक नया यंत्र करेगा। दोस्तों इस नए यंत्र में हमें सिर्फ दो चीजों को ऐड करना है। सबसे पहला चीज हमारे इस हाथ के मूवमेंट को हमें क्रिएट करना है और सेकेंड चीज ये है हमारा ये जो मूवमेंट है ये पूरा ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ हमारे इस हाथ के मोशन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने जैसे इस मोशन को ड्रॉ किया है हमें यहाँ पे इसको लगने वाला जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली क्रिएट होके हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब दोस्तों ये मैकेनिज्म कितने सही तरीके से काम करता है इसे देखने के लिए मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर में इस मैकेनिज्म का एक छोटा सा डेमो बनाकर देखूंगा। तो हमने इस मैकेनिज्म के लिंक और इसके डायमेंशन को फॉलो करके इस नए सैंपल को बना लिया है। अब चलिए दोस्तों इसका वर्किंग देखते हैं। अब इस वाले डेमो में हमारे इस हाथ के मोशन को क्रिएट करेगा हमारा ये लिंक। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करूंगा और इसे मुझे रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगाना होगा जो हमारे इस पूरे मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक बना दे। चलिए अब कुछ बड़ा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने बच्ची के सोने वाले पोजीशन में उसके सारे डायमेंशंस को मेजर कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये है सोता हुआ बच्चा। अब इसे सुलाने के लिए हमें चाहिए एक हाथ, तो आ गया हाथ। अब दोस्तों रिसेंटली आपने देखा है कि हमने इस मोशन को क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म को बनाया था, तो अब हम उस मैकेनिज्म को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऐड हो चुका है। अब इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत है, तो अब हम उसे भी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे बच्चों को सुलाना है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा स्माइली फेस चाहिए, तो मैंने उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपास ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो डिजाइन है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। ऑन, सो जा मुन्ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यंत्र काम करेगा। अब खेल कूद बहुत हो गया है दोस्तों, चलिए इन सारे पार्ट्स को 3D प्रिंट कर लेते हैं। आपको इन तीनों कलर में कौन सा कलर बेस्ट लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए इन सारे अलग अलग पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। हेलो दोस्त, क्या तुम हमारे बच्चों को सुलाने में हमारी मदद करोगे? अरे बाबा, पहले मुझे मेरे हाथ तो दे दे, अब बस कितना ही बच गया था मशीनों से ये काम करवाने का। यार कितना प्यारा है ना। दोस्तों अब आप ही हमारे इस नए यंत्र को एक अच्छा सा नाम रख दीजिए, वो भी कमेंट में ऐड करके। तो अब हम इसे हाथ दे देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नया यंत्र, अब चलिए इसे ऑन करते हैं। लेकिन अब अगले वीडियो के लिए हमें इन दोनों कमेंट्स में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप हमारी मदद कर दीजिए हमें कौन से कंटेंट को सेलेक्ट करना है। अब चलिए इसे ऑन करते हैं। 3, 2, 1 ऑन। ओह दोस्तों हमारा यहाँ पे आइडिया काम कर रहा है। अब चलिए दोस्तों हमारे इस नए यंत्र को रियल लाइफ में ट्राई करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको इस यंत्र के कुछ एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब अगर बच्चा अगर फ्लैट सोएगा तो हम इसे एंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर बच्चा कुछ इस तरीके से सो गया तो उसका हाइट बढ़ेगा, तो हम उस समय में इस वाले कनेक्शन को यहाँ पे कर देंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे और एक चीज को ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब हम इस स्पंज को यूज करेंगे ताकि बच्चों को सॉफ्ट सा फील आए जैसे कि हमारे हाथ से आता है। तो अब मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरीके से असेंबल करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये यंत्र पूरी तरीके से तैयार है। अब मैं बच्चों को थोड़ा जोजो करके हमारे इस यंत्र को ऑन कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये नया यंत्र बच्चों को सुलाने में हमारी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे हाथ को पेन भी नहीं होगा और किसी ने जरा सा भी साउंड किया तो भी हमें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पे पूरी तरीके से रिलैक्स होकर हमारे अधूरे काम और नींद को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।